नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है नर्सिंग फैसिलिटी विद एके के साथ। मैं नर्सिंग ऑफिसर आपका स्वागत करती हूँ हमारे अपने चैनल पर। सो गाइस, आज हम बात करेंगे उन खतरे के संकेत के बारे में, अगर गर्भवती महिला डिलीवरी के पश्चात घर जाती है तो उनमें कौन कौन से सिम्टम्स ऐसे हैं जो खतरनाक हो सकते हैं उनके लिए और बच्चे के लिए, तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे हम। आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन सी चीज़ें ऑब्जर्वेशन करनी है, देखते रहना है कि आपके बच्चों को या आपको ऐसी कोई परेशानी तो नहीं है। सबसे पहले, अगर गर्भवती महिला है जो घर गई है डिस्चार्ज के बाद, डिलीवरी के बाद, तो उन्हें देखना है कि अत्यधिक रक्तस्राव तो नहीं हो रहा। अगर रक्तस्राव बहुत ज़्यादा हो रहा है तो तुरंत हॉस्पिटल में जाना है और अपना ट्रीटमेंट करवाना है। और गंभीर पेट दर्द हो रहा है तो भी आपको हॉस्पिटल में जाकर चेकअप करवाना है। तेज सिर दर्द या धुंधला दिखाई दे रहा है तो भी आपको हॉस्पिटल में जाना है, अपना चेकअप करवाना है। सांस लेने में अगर आपको कठिनाई हो रही है तो भी आपको हॉस्पिटल जाकर अपना चेकअप करवाना है। पेशाब करने में परेशानी हो रही है, हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं तो भी आपको हॉस्पिटल जाकर चेकअप करवाना है। ये महिलाओं के लिए खतरनाक लक्षण हो सकते हैं। अगर आपको यह सिम्टम्स दिखते हैं तो आप हॉस्पिटल से संपर्क करें या हॉस्पिटल जाकर अपना चेकअप करवाएं। देन बात करते हैं बच्चे, जो नवजात शिशु है जिनका अभी जन्म हुआ है 3 दिन बाद या आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज दिया गया है, तो अगर आप घर जाते हो और आपको यह सिम्टम्स दिखते हैं बच्चे में तो आपको हॉस्पिटल में जाकर दिखाना है। सबसे पहले, अगर शिशु स्तनपान करने में या जो फीडिंग करने में उसको परेशानी हो रही है, नहीं कर रहा है या कोई कठिनाई आ रही है तो आपको हॉस्पिटल में दिखाना है। बुखार आ रहा है, सामान्य रूप से बच्चा ठंडा पड़ रहा है, हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं, सुस्त है, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है तो आपको हॉस्पिटल में जाकर चेकअप करवाना है। पूरा शरीर अगर बच्चे का पीला पड़ रहा है, हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, सांस लेने में परेशानी हो रही है या कठिनाई हो रही है, दौरे आ रहे हैं या नीला पड़ रहा है, तो आपको क्या करना है, हॉस्पिटल में जाकर बच्चे का चेकअप करवाना है। ओके, थैंक यू गाइस वॉचिंग माई वीडियो।